अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय अपने देश में रेमिटेंस भेजने में सबसे आगे हैं। पिछले साल के दौरान भारतीयों ने कुल 2.74 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे। इसमें से 1.91 लाख करोड़ रुपए अमेरिका और 23,000 करोड़ रुपए ब्रिटेन से भारत भेजे गए। ऐसा पहली बार है कि अरब देशों से आने वाले पैसे के मुकाबले अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा रेमिटेंस भारत आया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 सालों में इन दोनों देशों से आने वाले रेमिटेंस में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि रेमिटेंस वो पैसा होता है जो एक भारतीय बाहर के देश से अपने घर परिवार के लिए भारत भेजता है। इसके अलावा भारत साल 2019 से OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों के लिए नए नागरिकों की कंट्री ऑफ ऑरिजिन बना हुआ है। यानी भारत उन देशों में शुमार है जहां भारतीय इन देशों में जाकर नागरिकता लेते हैं। लेबर फोर्स की कमी से जूझते इन देशों के लिए ये नए नागरिक काफी उपयोगी साबित होते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारतीय अमीर देशों की नागरिकता लेने के मामले में सबसे आगे हैं। लिहाजा इन देशों से आने वाले नए परमानेंट टाइप माइग्रेट की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल यानी 2022 की अगर हम बात करें तो OECD देशों से आने वाले परमानेंट टाइप माइग्रेट यानी वो लोग जो इन देशों में जाकर परमानेंट सिटीजनशिप ले रहे हैं उनकी संख्या 61 लाख दर्ज की गई, जिनमें से 28 लाख भारतीय हैं। पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो भी ग्लोबल माइग्रेट इनफ्लो में भारत का योगदान करीब 7.5% है। यह स्थिति उन देशों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन खुद भारत के लिए भी यूजफुल साबित हुई है क्योंकि इन देशों से आने वाले रेमिटेंस में भी भारत नंबर वन है। साल 2022 में ये रकम करीब 111 अरब डॉलर थी जो देश की GDP के 3.3% था। नेचुरली इस पैसे से देश में कंजम्पशन तो बढ़ता ही है और इकोनॉमी को भी फायदा मिलता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत से मिलने वाले रेमिटेंस का 36% अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर के हाई स्किल्ड माइग्रेंट से आता है। इससे धीरे धीरे डायनामिक इकोनॉमिक रीजन में भारत और अन्य देशों के बीच एक ब्रिज बनता है। इसका एक बड़ा फायदा कोलैबोरेशन से होने वाले इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी देखा जा सकता है। विकसित देशों में जाकर परमानेंट सिटीजनशिप लेने के लिए भारतीय अव्वल हैं, लेकिन इस बीच इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि ये माइग्रेशन क्यों होता है। इस माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण है सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है कि भारतीय इन देशों में काम और अच्छे भविष्य की तलाश में जाते हैं जो उन्हें भारत में नहीं दिखता। अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश का स्टेटस पाना है तो सरकारों को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसके लिए हमें बुनियादी पहलुओं को ठीक करने की जरूरत है। बुनियादी पहलू जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए 2-4 प्रतिष्ठित संस्थान बनाना काफी नहीं होगा। देश के शिक्षण संस्थान हाई स्किल्ड युवा देने लगे तो बेहतर रोजगार के हालात अपने आप बनेंगे, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी और फिर विकसित देश बनने का सपना भी दूर नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।